हाँ तो भाई, कल का जो T10 मैच हुआ दोपहर में 12:30 बजे, बहुत बेस्ट गया। सारा टीम एकदम झकाझक, और सभी लोग विन किए। मेरे को पता है, पूछने की मेरे को जरूरत है नहीं, है ना। सब लोग विन किए, क्योंकि मैं 7 टीमें बनाई, सातों में सातों जब विन किए तो भाई सब लोग तो विन किए होंगे, क्योंकि वही टीम मैं दिया हूँ, ठीक है। अब बाकी जो ना देखा वीडियो, जो मतलब कि लॉजिक को ना समझा, उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो आइए फिर से आज एक लॉजिक आपको सिखाता हूँ। आज मैं फिर T10 का ही वीडियो कवर कर रहा हूँ, क्योंकि T10 में अब मेरे को खुद मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत, कल जो मैं बताया था चिन्हित खिलाड़ी होते हैं ना, आज भी देखिए उसी टाइप से है। चिन्हित 3-4 खिलाड़ी चिन्हित है, जिसपे आप CBC कैप्टन पे आराम से आँख बनकर जा सकते हैं। उसके बाद जो खिलाड़ी होते हैं ना, 1-2 खिलाड़ी जो डिसबैलेंस करके जा रहा है, ठीक है। तो आइए उनको फिक्स करते हैं। देखिए आज का मैच भी वही, जो दोपहर जो है ना, वही 12:30 बजे है, ठीक है। मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा 12:30 बजे, और टीम के नाम रहेगी तो ADD वर्सेस SAL के बीच में 36वां नंबर का मैच है, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो देखिए, यहाँ पर सिवरन क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रेलिया में ये मैच होने वाला है। चलिए वीडियो को धमाकेदार शुरुआत करते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। एक लाइक अगर करता तो वीडियो का धमाकेदार शुरुआत हो जाता है। लाइक करके देखिए ना, वहाँ बम पटाखा फूटेगा, लाल पीला हरा बत्ती जलता है ना, जला के देखिए एक बार। प्लस में देखिए, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल GL की टीम आपको बना के दी जाती है, ठीक है। SL तो होता है, वो बहुत कम सम खेला जाता है, GL ज़्यादा होता है, ओके। चलिए फिर शुरुआत करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन फटाफट से कर दीजिएगा। और प्लस में जैसे मैं कल टीम दिया था अपना 12:30 बजे वाला, तो जो भी टीम में दिया था कल, हालांकि आपको मैं 5 टीम दिया था, मैं खुद 7 लगाया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं दे दिया फटाफट, चलो भाई 5 ही कम से कम बहुत है ना। तो भाई जो टीमें मैं लगाता हूँ वो सब टेलीग्राम पर देता हूँ, वही फिक्स टीम। ये नहीं कि मैं लगाऊँ कुछ और, आपको लगाओ कुछ और दूँ, ये अपने अंदर नहीं। तो वो टीम पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, जो भी आपको मन करे वो ज्वाइन कर लीजिए, हम दोनों का लिंक आपको दे दिए। हाँ, इतना याद रखिएगा, सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर सिवरन की बात करें, देखिए 33 मैच टोटल हो चुका है, 21 मैच फर्स्ट इनिंग जीता, सेकंड इनिंग यहाँ पर 12 बार मैच को जीता है, मतलब यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट इनिंग वाला मैच को जीत के लेके जा रहा है, जैसा कि पिछला बार हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद पिच की अगर बात करें यहाँ पर, तो गुड बैटिंग तो अच्छा है पिच के लिए, ठीक है ना। बाकी गुड फॉर पेस बॉलर्स, अच्छा सपोर्ट लेके जाता है, पेस बॉलर को अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि मिला भी यहाँ पर। एवरेज स्कोर की बात करें तो 152 यहाँ का एवरेज स्कोर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ लोअर भी नहीं, लगभग मिला जुला कर ठीक ठाक है, एक एवरेज चीज़ है, ठीक है। बस ध्यान देना है पेसर्स के ऊपर। चलिए आगे दिखाता हूँ कौन पेसर्स। उससे पहले जानिए कि भाई साहब, एक है ना स्पोर्ट्स बाजी नाम का एप्लीकेशन, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वो जिंदगी भर जानते रहें, क्यों? क्योंकि इसमें है फायदा, प्रॉफिट, कई तरह का प्रॉफिट है। टीम बना के प्रॉफिट कमाओ भाई, एक एक सवाल का जवाब दे के प्रॉफिट कमाओ, बड़ा मस्त चीज़ है। प्लस में सबसे बड़ी बात, अभी आपको ये मिल रहा है फर्स्ट डिपॉजिट पे 10% ऑफ मिल रहा है, मतलब 10% एक्स्ट्रा, 100 रुपये करते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है आपको, 1000 रुपये करते हैं 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ठीक है। सोचने वाली बात है ना, इतना कहीं एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है आपको, जो जमा करेंगे वही मिलेगा। प्लस में TDS और वो कट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, TDS GST सब फ्री, पूरा सितंबर आइए ताव से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी 10% का लाभ उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, किसका स्पोर्ट्स बाजी का भी, बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड करना, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, जाइए ज्वाइन करके बेहतरीन फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा इस टाइप से उठा सकते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है भाई, समझे। फ़ायदा ऐसे उठाना है कि भाई आपको सिर्फ सवाल का जवाब देके पैसा कमा, गजब मज़ा आता खेलने, मैं दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए रिसेंट जो है कि मैच जो हुआ उसमें ADD यहाँ पर प्ले 5 मैच किया, जिसमें से 1 विन किया, 4 लॉस किया, ठीक है। उसके बाद SAL जो मैच किया, इसमें प्ले 5 मैच किया, ये भी देखिए विन जो है कि 3 किया, लॉस 2 किया। तो आज का मैच कौन जीतने वाला, जरूर आज कमेंट करके बताइए, जैसे कल बताए थे आप लोग, हालांकि सब लोग जवाब नहीं दे पाए थे, पता ना उनको समझ में आया नहीं आया पता ना, मगर हाँ जितना हो सके कोशिश कीजिएगा सभी लोग का जवाब आए, उसके हिसाब से टीम बनते। जैसे मेरा जवाब आता है भाई, अभी जिस हिसाब से ये दिख रहा है, अभी के हिसाब से मैं SAL को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अरे किसको कर रहे हैं, ऐसे हाथ बांध के खाई वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, बताना भी है किसको कर रहे हैं, बताइए। आप जिसको बोलेंगे ना, मैं उसी के ऊपर टीम को क्रिएट करता हूँ, इसके टीम से मैं ज़्यादा प्लेयर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला सोच रहा हूँ, यहाँ पर हजारों लोग सोचने वाले, सबका दिमाग तो फेल नहीं हो सकता है ना। इसलिए जरूरी है कमेंट करना, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा आज का मैच कौन जीतेगा, SAL या ADD, ठीक है, ओके, इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। उसके बाद देखिए ये रिसेंट जो अभी मतलब जो प्लेयर के बारे में हम जानने वाले हैं, जो 11-22 प्लेयर उनके बारे में स्टार्ट कर दिए, यहाँ से समझिए। देखिए प्लेयर्स हैं, रिसेंट फॉर्म दिखेगा आपको, ओवर और T10 का ये इनका परफॉर्मेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 62 की बात करें, देखिए 23-3-12 है,
22 मैच खेल चुके हैं, 345 रन बना चुके हैं, 26 के एवरेज रहता है, 0 विकेट्स, मतलब विकेट्स में मामले में कुछ भी नहीं है, मगर 26 के एवरेज टी20 में बहुत अच्छी बात है। रिसेंट फॉर्म में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। बाकी यहाँ पर शाहीन की बात करें तो देखिए शाहीन महमूद यहाँ पर कोई मौका नहीं, 0-40 बाकी 16 मैच में 119 रन, 11 के एवरेज है। महमूद को भी छोड़ा जा सकता है, इस बंदे को ट्राई करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर जेफरी की बात हो तो भाई 0-0 है, 4-1 विकेट साथ में है, ठीक है, और ये 7 मैचों में 12 रन 3 विकेट साथ में, इसको भी छोड़ा जा सकता है अभी। उसके बाद यहाँ पर जकरहल की बात करते हैं, देखिए 0-0 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बाकी 19 मैच में 36 रन 9 के एवरेज और 3 विकेट से, इसको भी छोड़ा जा सकता है। टी10 में देखिए लिमिटेड प्लेयर आपको लेकर चलना, ज़्यादा ट्रेडिंग बिडिंग नहीं करना, कर सके एकाध दो प्लेयर पर कर सके बस, ज़्यादा नहीं करने का, ठीक है। देख रहे फिक्स है, शीशा की तरह दिख रहा है भाई, 19 मैचों में 3 विकेट क्या ही है यार, 36 रन क्या ही है यार, कोई मजा नहीं है इसका। देखिए 7 मैचों में 12 रन 3 विकेट क्या ही है, कुछ नहीं है। हाँ विकेट्स के मामले में 3 विकेट लिया जा सकता है मगर बहुत घीच तीर करके, ठीक है, इसलिए मैं कट लगाता जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए वीडियो, ध्यान से देख के समझिए वीडियो को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किस खिलाड़ी के बारे में कैसा मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से, ठीक है, वो समझिए। और बाकी आपके सामने भी आपका हिसाब भी अपना लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंदोजी की बात करते हैं, देखिए 42-19-4 5 मैचों में 78 रन 15 का एवरेज है इसके पास, मिला जुला के इनसे देखें थोड़ा सा मेरे को बेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि रिसेंट 42 खेल करके आ रहा है, ये एक ट्राई मारा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और अखिल की बात करते 22-0-6-0-13 मैच में 29 रन है 7 का एवरेज और 11 विकेट साथ में, विकेट्स के नाम पर राइट मीडियम पेसर्स को विकेट भी मिल रहा है, तो ये विकेट्स के नाम पर प्लस में चलो मिल गया 22-25-20 रन जो मिल गया हम खुद से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, वो चीज़ अपने को मिल जाएगा, ओके। तो ये भी एक लेके हम चल सकते हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ पर देखिए अहमद जाई की बात करें, देखिए 78-3 है, 12-1 है, ये एक ठीक है, मतलब कह सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लायक भी लगभग में दिख रहा है मेरे को, कैप्टन भी बना के लेकर चलना चाहिए क्योंकि ये कुछ कम नहीं होता भाई, 78-3 विकेट कम कहाँ से होता था, अकेले फाड़ दिया, ठीक है। 10 मैचों में 21 रन 4 का यहाँ पर एवरेज है, मतलब कि अगर देखा जाए टी10 का तो, बाकी ये चल रहा हुआ अलग चीज़ है रिसेंट फॉर्म, मगर टी10 का ये आप देख सकते हैं, बाकी 4 एवरेज है बाकी 1 विकेट साथ में, टी10 में उतना नहीं है खास, मगर रिसेंट फॉर्म इनका सही है इसलिए हम ट्राई करके ले करके जा रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर सफी की बात करते, ये भी देखिए यहाँ पर भी टाइट है, ये भी ठीक है, इसको भी आपको टीम में ले करके चलना चाहिए, 13 मैचों में 9 विकेट है प्लस में 62 का एवरेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है सैफी। उसके बाद यहाँ पर सुलेमान की बात करें, 0-1-0-3 मैचों में 1 रन, इसको अभी छोड़ा जा सकता है। और ये फिर उसके बाद आता है यहाँ पर वली खेल, इनकी बात करें 1-0 यहाँ मौका नहीं, हालांकि 0 यहाँ पर 2-3 मैचों में 3 विकेट, ये राइट हैंड फास्ट है, इसको लेके जाया जा सकता है। उसके बाद साहिद अबेद की बात करें, 0-0 बाकी 2-10 मैचों में 8 विकेट है, इनको अभी छोड़ा जा सकता है। समझ में आ गया, एक टीम का प्लेयर ये रहने वाला है एकदम कन्फर्म। अगर वीडियो नहीं देखे ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, जो बता रहा हूँ मतलब फटाफट से कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। बाकी नहीं तो लास्ट में मैं टीम भी देने वाला इस वीडियो में, वो चीज़ को ध्यान से देख के जाइएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर बेंच के प्लेयर्स कितने सारे हैं इसमें जो बैठे हुए हैं, अगर कोई आता है तो मैं बिल्कुल आपको कल अपडेट करूंगा, बाकी जो मैं टीम बनाऊंगा वो तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा ही, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, मज़ेदार चीज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए इनकी बात करें अब तो भाई इनका भी है उमर तारिक, तो इनका कोई अभी यहाँ पर अपडेट नहीं है रिसेंट का, ठीक है। बाकी यहाँ ओवरऑल टी10 की बात करें, 80 मैच खेल चुके, 492 रन है, 21 कैवरेज और 69 विकेट है, तो ये भी एक लेके चलने का है तारिक। उसके बाद आदिल तारिक की बात करें, सब तारिक है क्या हो यहाँ पर सब भाई है भाई, इसके पास भी कोई मौका नहीं, 33 मैचों में 105 रन है 15 कैवरेज है और 12 विकेट है, ये तारिक को भी छोड़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आकिब इकबाल की बात करें, यहाँ कोई मौका नहीं, बाकी 90 मैच में 1125 रन 26 कैवरेज 64 विकेट है, इसको लेकर ट्राई करते हैं इकबाल को, ओके। इमरान आसफी की बात करें, आसिफ की, तो देखिए 66 मैचों में 1461 रन 32 कैवरेज और 36 मैच है, इसको ट्राई करते हैं। एक अच्छा अगर रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा इनके तरफ से बैट्समैन मेरे को दिखाई दे रहा है, प्लस में ऑलराउंडर भी। रंजीत सिंह की बात करें, यहाँ भी इसके पास भी कोई मौका नहीं, मगर 46 मैचों में 666-20 कैवरेज 3 विकेट है, रंजीत सिंह 666-20 कैवरेज है अभी छोड़िए, यहाँ पर मैंने बैट्समैन के लिए काफ़ी लेके रखे हुए हैं, ठीक है। रंजीत को थोड़ा ट्राई करेंगे बाद में क्योंकि विकेट्स कम है इसके पास, है ना। उसके बाद आता है यहाँ पर हसन की, तो ये देखिए ये हसनैन की, तो यहाँ पर असहन, तो इनके देखिए 45 मैच में 482 रन है 13 के एवरेज 39 विकेट्स, विकेट्स के मामले में ट्राई किया जा सकता है, मगर सेकेंड इनिंग ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी फर्स्ट इनिंग में नहीं, ठीक है। सन्नी विजया की बात करें, तो इनका भी कोई मौका नहीं है अभी क्योंकि नया टीम अभी उतर रही है, इसमें एक मैच में 0 है, कुछ भी नहीं है इनके पास। उसके बाद यहाँ पर
सिंह साहब है, तो सिंह साहब भी 8 मैचों में 31 रन और 15 का एवरेज है, और ये 15 के एवरेज में इसको भी छोड़िए, अभी लेके चलने का नहीं है, बहुत बार नाबाद मतलब जाता है इसलिए 15 का एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा कि भाई इतना कम में 15 का एवरेज कैसे हो सकता है, तो नाबाद जाता है आदमी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर सिनवारी के, तो ये भी कोई मौका नहीं, यहाँ पर 3 मैच में 18, 6 का एवरेज है, 3 विकेट्स इनके पास है 3 मैचों में 3, चले ठीक है, ये आइटम फास्ट भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुबस्सर अली, इनके भी कुछ नहीं है, बाकी 23 मैचों में 18 विकेट्स हैं साथ में, राइट एंड मीडियम ये भी है। बाकी गुड़िया की बात करें तो यहाँ भी कुछ नहीं है, बाकी 40 मैचों में 493 है, 29 का एवरेज और 30 विकेट भी साथ में, तो ये भी एक ट्राई किया जा सकता था। मिला जुला कुल यही 4 से 5 प्लेयर इधर से और 6 से 7 उधर से लेकर जाया जा सकता है, यही एक कैलकुलेशन बैठ के आ रहा है मेरे हिसाब से। T20 जैसे हम लोग पिछला खेले उस टाइप इसमें भी खेलना है तब, ठीक है। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं ये बेंच प्लेयर्स है, ओके। और उसके बाद आता है ये जिसे मैं बताया था आपको कि स्पोर्ट्स बाजी में कैसे आप कमा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया जाए भाई 9,312 रुपये लगा दिया, ठीक है। यस नो बस आपको दे देना है और कुछ नहीं करना, 10 ओवर में क्या 117 रन जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13,968 रुपया मेरे को बन के आ रहा है, अगर ऐसा होता है तब, अगर ऐसा नहीं होता है उल्टा जाएगा तो ये मेरा कम होने लगेगा पैसा, जैसे ही कम होने लगेगा थोड़ा सा 9,000 से आ जाएगा 8,000 पे, तो हम इसको यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन देगा, उसको निकाल भी सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्पोर्ट्स बाजी में, इसलिए बोला कमाने का मौका अच्छा होता है। टॉस विनिंग टीम, बैट बॉल कौन करेगा कैसे, सब दुनिया भर का सवाल है, जो आपको सवाल मन करे, जो लगता है 100% ये सही हो सकता है मेरा जवाब, उसी को आप दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हज़ार साल हज़ारों को आपको देना है, ऐसा कुछ नहीं, कमाने वालों की बता रहा हूँ मैं, बाकी तो सर से ऊपर जाता होगा बहुत लोग बात की बात है, मगर जो जानता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ क्या चीज़ है और लीगल तरीके से इसमें, तो मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। बस क्या करना है, सवाल का जवाब देना, पैसा कमाना, समझ में आ रहा बात ना, जो सवाल का आ रहा जवाब उसी उधर, नहीं आ रहा आज नहीं देंगे, बात खत्म, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया कितना, 22,184 रुपया, 33,276 रुपया बन के मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप भी इस चीज़ का ट्राई कर सकते हैं, मज़ेदार चीज़ है भाई साहब। बाकी T20 में कुछ ज़्यादा खास होता नहीं, इसलिए सीधा आप टीम पे आ जाइए, टीम का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यही टीम भी लेके चलेंगे तब पर भी काफ़ी है, टॉस वॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाए, अगर ये वाकई प्लेयर खेलते हैं तब, अगर एक आध रोटेशन में गायब हो गया दूसरा प्लेयर आ गया तो बात की बात है, फिर उसमें रोटेशन चेंज होगा, ठीक है, मतलब वो नए प्लेयर को लाना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ नहीं होता है इस टीम से आप जा सकते हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं, तीन टीम लगा दी, तीनों में रियल फिक्स है आज, ऐसा मतलब बना के मैं दिया हूँ टीम, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी चलिए वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं, वीडियो पसंद आए एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं देखिए T20 का सोच रहा हूँ कवर करूँ, मैं शॉर्ट में कवर करूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लाता ही नहीं इसमें, ठीक है। T20 में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं, बस कुछ प्लेयर फिक्स है उनको उठाना है, काम खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, इसलिए विनिंग भी अच्छा है और वीडियो बनाने में टाइम भी कम है, सब कुछ फिनिश तुरंत तो मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो जरूर इस चीज़ का फायदा उठाइए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लगातार हम वीडियो देते रहेंगे। चलिए यहीं तक छोड़ता हूँ अपने वीडियो को, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर हम आपको टीम देंगे अपना, ओके। कहाँ पर? टेलीग्राम पे, जो हम खेलेंगे वही देंगे, अगर चेंजिंग आता तब पर भी, नहीं तो ये, तो ये भी मैं दूंगा, ठीक है ठीक है, जितना खेलूंगा उतना दूंगा। बाकी स्पोर्ट्स बाजी भी खेलना स्टार्ट करिए, मज़े है भाई मज़े, ओके। चलिए मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय।